हेलो दोस्तों, आप सभी किसी न किसी से प्यार जरूर करते होंगे। प्यार वह एहसास है जो इंसान को जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमें अपने पेरेंट्स से, हमारे परिवार से, अपने मित्रों और बिलाउट पर्सन से प्यार करते हैं। यहाँ पर चर्चा हम बिलाउट पार्टनर से होगा, जिसे हम लव अफेक्शन, मोहब्बत, चाहत या फिर उल्फत भी कह सकते हैं। प्यार को हमेशा दिल से जोड़ कर देखा जा रहा है, दिमाग से नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी से अचानक प्यार हो जाना और उसे दिलो जान से चाहने लगना, ये सब अपने आप नहीं होता और ना ही दिल की कोई महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बल्कि हमारे दिमाग में होने वाले कुछ केमिकल वर्ब हैं और जीन संबंधी स्ट्रक्चर विशेषता प्यार होने पर मुख्य आधार होती है और इन्हीं की बदौलत उसकी गहराई तय होती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में प्यार एक साइंस होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दरअसल एक दूसरे को आकर्षित होना एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे एक दूसरे की गंध, आवाज़, शरीर तथा उसके हाव भाव अच्छे लगने लगते हैं और मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वह व्यक्ति उसके लिए सबसे बेहतर है। और हर किसी के लिए हमारी ऐसी भावना नहीं होती, और इसका कारण यह है कि केमिकल ही हमारे किसी व्यक्ति को मन में धारण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि दो लोगों के बीच केमिकल ऊंचा होना ही आनंद की अनुभूति है। हृदय की गति का बढ़ना तथा डोपामाइन, नोरापाइफ्रीन, फिनाइल, इलामिन इत्यादि ही केमिकल ऊंचा आते हैं। हमें लगता है कि हमें प्यार हो गया है, किसी एक के लिए दिल में खास जगह बन गई, दिल की धड़कनें जवां हो गई। ये तमाम लक्षण हमारी भावनाओं से जुड़ने लगते हैं। लेकिन साइंस की माने तो हम बस प्रकृति यानी नेचर का शिकार बनते हैं, जिसमें मानव जाति का जीवित आगे बढ़ाने का क्रम में मदद करती है। लेकिन हमारे दिमाग में केमिकल का कॉकटेल कुछ इस तरह काम करता है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते। किसी की तरफ आकर्षित होने से हमें लगता है कि हम अपने लिए लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन यह नेचर का लव प्लान होता है और इसमें हार्मोन्स का रोल है। सबसे पहले हमारे सेक्स हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, जिनमें मुख्य है रेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर्स भूमिका में आते हैं, एस्ट्रोलाइन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। आकर्षित होने के बाद जब धीरे धीरे आप प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। यह एक तरह से ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर की तरह हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करता है। यही वजह है कि आप दिन रात अपने पार्टनर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आपको उसकी हर बात, हर अदा अच्छी लगती है। आप आंख बंद करके सामने वाले पर भरोसा करने की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। साइंस कहती है कि यह जरूरी भी है, ताकि आप यह महसूस कर सकें कि कोई खास है आपके लिए, और यही भावना आपके साथ रहने और उसके करीब आने के लिए प्रेरित करती है। और शोधों में इंटरन्यूरॉन पर अधिक ध्यान दिया गया है, जो अन्य न्यूरॉन्स को संदेश भेजता है। रिसर्च ने यह पाया है कि जब ये न्यूरॉन्स ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, यदि इस प्रक्रिया में अवरोध पैदा किया जाता है तो मादाओं से नर से दिलचस्पी कम हो जाती है। यह परीक्षण चूहों पर किया गया था, मनुष्यों पर इसका नतीजा होता है। इस आधार पर यह भी देखा गया कि महिलाओं में यह हार्मोन की दोस्ती बढ़ाता है, जबकि पुरुषों में कम्पटीवनेस को बढ़ाता है। डोपामाइन हार्मोन वह हार्मोन है जो एक्साइटमेंट और आनंद से जुड़ा होता है। यही वजह है कि प्रेमी रात रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें करते हैं, शायरी करने लगते हैं, यहाँ तक कि समय निकाल कर एक दूसरे से मिलने घंटों यात्रा करके आ जाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल और यहाँ तक कि जॉब को बदल देते हैं। यही नहीं, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। दरअसल वो केमिकल लोचे से भीगे होते हैं, जो एनर्जी और स्टेमिना के लिए जाना जाता है, और दिमाग उन्हें ऐसा करने की दिशा में प्रेरित करता है। यही वजह है कि प्यार के लिए अक्सर कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। रिसर्च का मानना है कि यह जरूरी भी है, ताकि एक दूसरे पर विश्वास व आपसी लगाव गहरा हो। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो, हमें कमेंट कर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।